तो आज की इस वीडियो में हम करने जो जा रहे हैं, आपने टाइटल में तो देखा ही होगा, तो आज हम कर लेंगे जो टाइटल में लिखा है वही करेंगे ऑब्वियसली। तो पहला है कि हमारे पास जिसके लिए हमारी जो मतलब हमको जो चीज़ें चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। जैसे कि हमको एक चाहिए ऑब्जर्वर, एक रेडस्टोन टॉर्च, और बस यही हो गया। गलती से ऑब्जर्वर बोल दिया मैंने, ऑब्सीडियन है, करेक्ट कर लेता हूँ खुद को ही। अब हमको कुछ ऐसे इस तरह 9 टॉर्चेस लगा देने हैं, उनके ऊपर बाद में हमको 9 ऑब्सीडियन लगाने हैं। तो एक लग चुका है, अरे लग क्यों नहीं रहा, लग जा भाई दो, अरे एक्स्ट्रा लग गए दो। जो जल्दीबाजी करने जाते हैं ना उनके साथ यही होता है, देख लो फिर से करना होगा। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लगा दिए। ये एज ए एक पिस्टन डुप्लीकेटर काम करने वाला है, तो देखते हैं क्या ये है सच में वर्क करता है कि नहीं। तो पहले इसको बना लें दो, ऐसे हमको चारों साइड से पिस्टन लगा देने और बीच में जगह छोड़नी है, और बीच में जो जगह छेड़ी है, छेड़ी नहीं भाई छोड़ी है, वहाँ पे हमको लगा देना है TNT, माने तो एक गोला जो फटता है, पता नहीं क्यों फटता है बट फटता तो है वो। तो इस तरीके से मैंने माइनक्राफ्ट TNT ले लिया, ओके ले लिया है मैंने TNT। तो इसको हमको जस्ट लगा के फिर रो जाना है, क्योंकि अगर उसके साथ हम पटेंगे, अभी तो क्रिएटिव हैं बट आप तो सर्वाइवल में ट्राई करोगे नॉर्मल। सारे पिस्टन गिरा दिए जो मेरे पास थे, अभी देखते हैं कितने कलेक्ट हुए, टोटल 8 लगाए थे, तो हमारे पास आ चुका है 11, यानी कि ये काम करता है। तो सेम चीज़ हम स्टिकी पिस्टन्स के साथ भी ट्राई करेंगे, देखते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं कि नहीं। तो सेम चीज़ हमको फिर से TNT लगा देना है बीच में, 8 लगा दिए मैंने वहाँ पे, और इनको भी मैं फेंक देता हूँ ताकि पता चले कितने मिले हैं। इस बार थोड़ा पास में रह जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्रिएटिव में तो उड़ रहे हैं। तो सबको कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और टोटल हमारे पास हो चुके हैं 9, मतलब सिर्फ एक ही डुप्लीकेट हुआ, पता नहीं ये क्या है या फिर ऐसे रेंडमली डुप्लीकेट होते हैं वो भी नहीं पता। तो नेक्स्ट एक जो है हमारा, उसके लिए हमको चाहिए एक कमांड ब्लॉक, जो कि मैंने ले लिया। और कमांड ब्लॉक लेना कैसे लेते हैं अगर वो आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छे अच्छे मीट लिखना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो मीट बस्टर होगी, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मीट लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नया बंदा देख रहा है, और जो पुराने बंदे और मतलब जो भी देख रहा है यार, एक लाइक तो बनता है। तो ये कमांड मेरे को डालनी है इस हैक की, जो मैंने हैक देखा है उसके मुताबिक मेरे को ये कमांड डालनी है इसमें, एग्जीक्यूट @ टाइप फायरबॉक्स रॉकेट 3 स्पेस टाइप वो जो होते हैं वो छोड़ के समन TNT डालना है। तो हो चुका है मेरा कमांड डाल के, इसको ऑलवेज रिपीट और ऑलवेज एक्टिव पे कर लेना है सेट। मेरे को ले लेना है फायर बॉक्स, समझ रहे हो, जो कि मैंने ऑलरेडी, और जब भी हम फायर बॉक्स डालेंगे तो TNT इग्नाइट होंगे, और हो भी चुके हैं, मतलब ये भी एक काम करता है। और यहाँ पे पहाड़ दिख रहा है, अभी इससे मज़े लेते हैं, पहाड़ को ही उड़ा देगा ये पूरा। अरे सेटिस्फाइंग फील मिल रही है, देखो क्या ही पहाड़ टूट रहा है ना गाइस, देख लो यार, बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। इस तरीके से आप कोई भी पहाड़ तोड़ सकते हो। टूट क्या बोल रहा हूँ मैं, आज मेरे जबान को बताने क्या हो गया। एंड हाँ, ज़रूर से फिर से एक बार याद दिला दूँ, मीट लिखना मत भूलना वरना नेक्स्ट वीडियो फ्लॉप हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं बट क्रिएटिव में ही करना होगा, क्योंकि कमांड ब्लॉक हम नहीं ले सकते बिना चीट ऑन किए। एंड कमांड ब्लॉक हम प्लेस नहीं करते, अगर सर्वाइवल में चीट यूज़ करके ले भी लिया तो प्लेस करने के लिए हमको क्रिएटिव तो करना ही होता है। और देख सकते हो कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन मचा दिया एक फायर वर्ग ने, मतलब एक नहीं बहुत सारी छोड़ी थी, बट एक फायर वर्ग से बहुत सारे TNT भी आते हैं। तो उसका रेंज कितना है देख लेते हैं, अभी कुछ 100-200 ब्लॉक आ गया है हम, तो यहाँ पे ये नहीं चलता, यहाँ पे हमारे नॉर्मल फायर वर्क चलते हैं। तो थोड़ा आगे जाएंगे तभी ये वर्क करेगा, देखो यहाँ तक करता है, मतलब एक 100-200 ब्लॉक का रेंज में ये काम करता है ये वाला हैक। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। नेक्स्ट हैक है हमारा एक सीक्रेट बेस बनाने वाला। तो मैंने एक घर बना दिया है छोटा सा, उसके लिए हमको एक आइटम फ्रेम चाहिए, और उसको लगा देना है हमको इस वाली जगह पे प्रॉपरली। पीछे से आके हमको 2 प्लैंक लगाने हैं, और उनके ऊपर एक कंपेरेटर जो भी बोलते हैं इसे, ये लगाना है, फिर रेडस्टोन से इसको कनेक्ट कर देना है आगे तक पूरा, कंपेरेटर ही बोलते हैं शायद से। और यहाँ पे आएगा हमारा पिस्टन, और हमको उस ओर जाके लगाना होगा। तो इसको मैं थोड़ा कनेक्शन पीछे से ले लेता हूँ, देखते क्या सीन है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पिस्टन को, और यहाँ पर हम लगाएंगे एक नॉर्मल ब्लॉक,
यानी कि कोई भी टेबल लगा देंगे ताकि नेचुरल वाला फील आए। देख लेते एक बार चल रहा है कि नहीं। अच्छा चल तो रहा है। ऐसे ही अपनी मतलब बंद कर देगा। और अभी मैं इसको यहाँ पे कुछ कीमती चीज़ लगा देता हूँ। आप स्वॉर्ड भी लगा सकते हो। तो पीछे से आके हमको एक आगे ही लेना है, जैसे कनेक्शन और पीछे वाले तोड़ देने हैं, फिर सब सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं लगा देता हूँ एक और बार पिस्टन, और यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लॉक लगा देते हैं। और देखते हैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए एक दो ब्लॉक लगा देता हूँ। और इस तरीके से हमको इसको पूरा आगे ले जाके रख लेना है। तो भी अभी यहाँ पे एक घर जब भी कंप्लीट करोगे तो बंदों को लगेगा कि ये टेबल्स रखा रखे हैं। यहाँ पे आप क्राफ्टिंग टेबल भी लगा सकते हो, क्योंकि ये फ्लैचिंग टेबल हर किसी घर में नहीं रहता। और यहाँ पे आप डिग डाउन करके एक सीक्रेट बेस बना सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लैडर भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है क्या जिससे हम एक सीक्रेट बेस बना सकते हैं। तो इसको आप अपने वर्ल्ड में ज़रूर से ट्राई करके देखना, मस्त है क्या। और यहाँ से पीछे से भी आपको कवर करना होगा, किसी को छुपाना है तो, नहीं तो यार आपका हैक फ्लॉप हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको छुपा भी सकते हो, जैसे कि मैं छुपा रहा हूँ। थर्ड बार मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ यार, मिथ लिख दो अगर मिथ है आपके पास तो। मिथ बस्टर की भी वीडियो बनानी है तो नेक्स्ट वीडियो। ये एक लावा डोर है जिसके लिए ये थर्ड है कि हमारे इस वीडियो का। तो हमको दो पिस्टन और एक ऐसे डिस्पेंसर लगा देना है। सेम चीज़ दो ब्लॉक छोड़ के हमको फिर से रिपीट करनी है। दो पिस्टन और एक उसके ऊपर ऑब्जर्वर, कूद जा। ओके लग चुका है ऑब्जर्वर में। हमको रखने हैं दो लावा बकेट, जो कि आते जाते बंदों का स्वागत करेंगे जला के। और ऑब्सीडियन नहीं, ऑब्जर्वर चाहिए था। यहाँ से हमको बनाना कनेक्शन देने के लिए। यहाँ पे हमको लगा देना है एक रेडस्टोन, और ये गलत रख गया ऑब्जर्वर। नीचे हमको रेडस्टोन लगाना है, ऊपर ऑब्जर्वर लगाना है। तो पहले ऑब्जर्वर लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लगा देना है एक रेडस्टोन, और ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है नीचे, उसके ऊपर एक रेडस्टोन और ऊपर ऑब्जर्वर, सेम प्रोसेस। अभी इसमें हमको भर देनी है एक एक लावा बकेट दोनों डिस्पेंसर में, बंदों में बोलने जा रहा था मैं। साइड से इसको आप कवर भी कर सकते हो, मैं कवर करके भी दिखा देता हूँ। करके आप एक हिडन डोर या फिर हिडन जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हो, मतलब डोर ही है ये। तो ये ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्राउच करके लगाना होगा। और यहाँ से हमको फिर से रेडस्टोन लगा के लेके जाना है यहाँ पे इसको, रेडस्टोन बोले तो। और यहाँ से इसको मैं फिर से कवर करके ले लेता हूँ कॉर्ड्स के ब्लॉक से ही। क्रिएटिव में तो मेरी तो दिखानी होगी, डायमंड ब्लॉक दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए कॉर्ड्स के दिखा दिए। तो यहाँ पे इसको हमको कर लेना है पैक। तो नहीं, गलत लगा दिया, दो ब्लॉक्स का गैप था। इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हैक के मुताबिक सारी चीज़ें कर ली है। यहाँ पे हमको बटन्स लगाने हैं, पता नहीं उसने बताया था इसलिए लगा रहा हूँ। हम तो बस ट्राई कर रहे हैं, यह हैक हमारे द्वारा नहीं है। यहाँ पे कॉर्ड्स लगाते फिर से, गलत लग गया भाई, क्या दिमाग है रे तेरा। पे इसको हमको ऐसे लगा देने हैं, और यहाँ पे हमको एक लगा देना है बटन। अरे यार एक चीज़ कवर करने में कितना देर लेता हूँ ना मैं। और यहाँ पे हमको लगा देने हैं रेडस्टोन की कनेक्शंस, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है अगर आप ट्राई कर रहे हो तो। और ये चलेगा तो देखते हैं, अभी टेस्ट ही तो कर रहे हैं। रेडस्टोन लग गया है, यहाँ अभी भी लगा देते हैं। और अभी बस हमको यहाँ पे बटन ही लगाने हैं चारों ओर, जैसे कि उस वीडियो में बताया था। और यहाँ पे अगर हमने बटन दबाया तो क्या होता है देख लेते हैं एक बार। और ये हुआ कुछ सिनेमेटिक्स टाइप का, और लावा नीचे गिर गया। अरे लावा के आर पार आ चुका हूँ मैं, बट सर्वाइवल में इस चीज़ को ट्राई मत करना, रो दोगे। तो यहाँ पे भी मैं सेम अंदर की साइड भी वही सिस्टम कर देता हूँ बटन का। ये उसमें नहीं दिखाया था वीडियो में, ये पूरी चीज़ बताओ ना वीडियो वालों, टिकटॉक एक्स वालों। तो फिर से अंदर जा चुके हैं, और यहाँ से एक सीक्रेट डोर बन जाता है लावा वाला। तो आप इसको अपने कासल के एंट्री पे लगा सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, कोई ऐसे ये नहीं है। तो ये जिसको अगर पता नहीं होगा वो जल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। नेक्स्ट हैक के लिए हमको चाहिए पाउडर स्नो, और दो पाउडर स्नो चाहिए बाय द वे। तो मैंने देखा था दो तीन बार, तो अभी ट्राई करके भी देख लेते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कर लेते हैं,
क्या बोलूँ मैं, इन्वेंट्री क्लियर कर दी मैंने और इसको क्लियर कर लेते वेदर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश में मैं फ़ोन में खेलूँगा तो यार बारिश से फ़ोन भीग जाएगा मेरा और पानी चला जाएगा, समझ रहे ना। जल्दी से सर्वाइवल में आ जाते हैं हम, और इसके बूट्स भी चाहिए हमको इसके लिए। इसके बूट्स यार लेदर के बूट्स, तो इनको इक्विप कर लेते हैं पहले। उसमें बकेट डाला, इनको इक्विप, तो वेदर क्लियर कर ले एक बार फिर से। और स्नो बकेट जैसे हमको रखनी है नीचे, बूट मैंने पहन रखे हैं, आपको भी पहनने हैं, नहीं तो इसके ऊपर फिर नहीं खड़े हो पाओगे। इसके ऊपर और एक बकेट डाली, और मैं कोई फास्ट स्पीड रनर नहीं हूँ, मैं मोबाइल प्लेयर हूँ, उंगली से खेलता हूँ। तो ऐसे करके हमको नीचे का निकालना है, ऊपर लगा देना है। अरे गलत लग गया, एक नीचे का निकालो ऊपर लगाओ, नीचे का निकालो ऊपर लगाओ, ऐसे करके आप कितनी भी हाइट पे जा सकते हो और वहाँ से MLG कर सकते हो, यहाँ और वहाँ से मर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपको चाहिए वो कर सकते हो आप, और ऐसे आप MLG पे ट्राई कर सकते हो। होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे रोज़ हम वीडियो लाते रहते हैं, दो दिन में एक तो आ ही जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, और ऑल वाले को भी, ऑल वाले को नहीं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।